अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है, लो आ गई बड़ी खबर। तो दोस्तों अब तक शायद इस अपडेट को आपने देख भी लिया होगा कि बड़ी खुशखबरी, 69,000 शिक्षक भर्ती में मोबाइल नंबर संशोधन की लिंक वेबसाइट पर हुआ उपलब्ध। बदलाव के लिए दोस्तों यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हमने कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी आपके लिए दे दिया है। तो देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ ऑप्शन दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर परिवर्तित करें। तो दोस्तों नीचे हमने काउंसलिंग के लिए आपको एक लिंक दिया, वहां पर आप ओपन करेंगे तो दोस्तों वहां से आप लोग जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा पाएंगे। देखिए दोस्तों क्या क्या आपसे डेटा मांगा जाएगा मोबाइल नंबर को अपडेट कराने के लिए, इसको जरा हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपका रोल नंबर मांगा जाएगा, फिर जन्म तिथि आपकी, मोबाइल नंबर, हाई स्कूल का रोल नंबर मांगा जाएगा, फोटो पहचान पत्र, आईडी का नंबर, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज मांगा जाएगा, और आपका माता जी का नाम। तो ये सब दोस्तों आप डालकर आप अपना फोन नंबर यहाँ से चेंज कर पाएंगे। तो एक आसान तरीका है। और देखिए मोबाइल नंबर चेंज होने से दोस्तों एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई है कि अब टोटल 69,000 शिक्षक भर्ती में 146,060 बच्चे सम्मिलित होंगे। अभी तक इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि अगर मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ तो हो सकता था कुछ छात्र, हजारों की संख्या में छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते थे। लेकिन दोस्तों अब सब कुछ कन्फर्म है कि अब इस भर्ती में 146,060 बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए बात आ रही थी 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र क्या करेंगे। देखिए अगर दोस्तों इन्होंने अपनी काउंसलिंग करा ली होगी, अगर इनको अपना जिला मिल जाता है तो फिर दोस्तों हो सकता है कि लास्ट मोमेंट तक ये अपनी सीट छोड़ सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए हैं या नहीं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात पर दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में, अगर परीक्षा में धांधली हुई है तो जांच जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे एक सर्वे किया था और आपसे पूछा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या धांधली हुई है, आपको क्या लगता है। तो दोस्तों जो आपका आंसर आया है कि बहुत ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि नहीं यार इस बार जो शिक्षक भर्ती में धांधली थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा हुई, तो इसमें दोस्तों 79% छात्रों का कहना यह था हाँ में दोस्तों, 15% आते, नहीं में आते 7%। मतलब दोस्तों अब तक 93% छात्रों का ये कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली बहुत ही बड़े स्तर पर हुई है, ठीक है, या हाँ कई दोस्तों कह सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, अब सब कुछ सरकार पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि सब कुछ अब सरकार पर आपका निर्भर होगा, जाँच होगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें CBI जाँच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन देखिए ये पेपर दोस्तों आपका OMR बेस्ड था, ठीक है ना। अगर कोई पेपर OMR बेस्ड होता है तो दोस्तों OMR में सभी छात्रों ने अपना बबल करके तो आगे होंगे, तो अब यहाँ पर वैसे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन देखिए जब दोस्तों पेपर कभी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है या कुछ भी होता है तो वहां पर होते नकल माफिया। जी हाँ दोस्तों, उनको पकड़ा जाता तो काफी हद तक ये बात क्लियर हो पाती कि उन्होंने कितने छात्रों के नंबर बढ़वाए या दोस्तों क्या क्या हुआ, उससे बहुत चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी सिंगल बच्चे को टारगेट करेंगे, हो सकता है दोस्तों उस छात्र ने अपनी मेहनत से नंबर लाए हों। देखिए बहुत से छात्र हो सकते हैं कि दोस्तों जो 140 प्लस नंबर अपने मेहनत से ला सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र भी होंगे जो 130 नंबर के लिए भी दोस्तों घपला कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सरकार पर सब कुछ निर्भर रहेगा कि सरकार यहाँ पर क्या करती है, क्योंकि देखिए अगर दोस्तों जाँच नहीं हुई ना तो कम मेरिट के साथ साथ हाई मेरिट का भी नुकसान होगा। अगर आपको लगता है कि यार हमारे मेरिट 70 प्लस हैं तो इसमें दिक्कत आपको पता क्या आएगी, आप ये सोचकर बैठे होंगे कि हमें अपना जिला मिल जाएगा जहां आप रहते हैं। हो सकता है दोस्तों आपको अपना जिला ना मिलकर कहीं बहुत दूर जाना पड़े नौकरी लेने, और इसमें ट्रांसफर भी आपका नहीं होगा। तो अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं जहां पर आपको नौकरी मिल गई लाइफ टाइम आपको वहीं पर नौकरी करनी पड़ेगी। तो इसमें आपसे एक शपथ पत्र भी लिया जा रहा है कि आप ट्रांसफर भविष्य में नहीं मांगेंगे। तो मतलब साफ है दोस्तों जब आप एक शपथ पत्र अपना एक दे देंगे तो उसका मतलब क्लियर होता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों आप इसके लिए धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के जहां पर आपको एक बार नौकरी मिल गई तो वहां पर आपको करना पड़ेगा। तो देखिए कम मेरिट वाले छात्रों का नुकसान ये होगा कि वो शिक्षक भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे, लेकिन हाई मेरिट वाले छात्र भी अपना खुद का जिला या अपने घर के आसपास नौकरी ना लेकर कहीं दूर जाना पड़ सकता है। देखिए हो सकता है कि आपके जिले में सीटें काफी कम है, लेकिन सब कुछ सही होता तो हो सकता तो दोस्तों 100 सीटों पर भी आप अपनी दावेदारी पेश कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे हम आपको बता दें लखनऊ में सिर्फ 150 सीटें हैं, तो अब लखनऊ के छात्र अगल बगल के 200 जिलों में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर DLED के दोस्तों स्टूडेंट्स काफी बड़ी संख्या में DLED की पढ़ाई होती है, और दोस्तों यहाँ पर BED के भी काफी कॉलेजेस हैं। तो मतलब DLED और BED तो बड़ी छात्रों में दोस्तों बड़ी मतलब मात्रा में यहाँ पर छात्र दिखेंगे, और आपका प्रयागराज में 990 सीटें हैं। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर भी आप समझ रहे होंगे कि बड़ी मात्रा में छात्र होंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और एक बात और आपको बता दें कि 65 से कम गुणांक पर नौकरी मिलना मुश्किल होगा।
जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में अगर आपका 65 से कम गुणांक है ना, तो फिर ये मान के चलिए कि आप नौकरी के लिए दोस्तों फाइट काफी मुश्किल हो जाएगा अगर परीक्षा में धांधली हुई है तो। क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने जितने बार भी सर्वे किया आप लोगों के लिए, जो भी दोस्तों हमने आपके लिए सेफ जोन बनाया ना, तो उसमें 65 अंक का गुणांक काफी मतलब आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो 65 अंक पर नौकरी पाना तकरीबन तकरीबन बहुत ज्यादा दोस्तों आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि देखिए 65 नंबर में दिक्कत क्या है आपको बताया, पहला तो दोस्तों आपका ओवरलैपिंग का मुद्दा फंसेगा। ओवरलैपिंग में दोस्तों काफी बड़ी मात्रा में छात्र है, देखिए सबसे पहले आपके शिक्षा मित्र ओवरलैप कर सकते हैं। देखिए अभी इसमें कंफर्म दोस्तों नहीं हो रहा है कि देखिए इसमें ये कहा गया था कि जैसे पहले ओवरलैपिंग होती थी वैसे ही ओवरलैपिंग होगी, लेकिन आपको पता था कुछ नियम ये कहते हैं कि अगर कोई छात्र ओबीसी या एससी कैटेगरी का छात्र है, अगर उसने अपने आरक्षण का यूज कर लिया है दोस्तों, वो किसी भी कैटेगरी का छात्र हो, अगर उसने अपने आरक्षण का फायदा उठाया तो फिर वो जनरल की सीट से या अनरिजर्व सीट नहीं ले सकता। उसका रीजन ये होता है कि दोस्तों कल को कोई छात्र ओबीसी में 90 नंबर लाता है और जनरल में दोस्तों जो कट ऑफ जाती है वो 97 नंबर है पासिंग मार्क, तो दोस्तों 90 नंबर पाने वाला छात्र 97 की सीट कैसे लेगा, ये सब दोस्तों यहाँ पर विवाद खड़ा होता है। तो देखते हैं क्या होता है, फिलहाल जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपको बता देंगे। फिलहाल ओवरलैपिंग का दोस्तों मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और उसको लेकर छात्र कोर्ट जाने की तैयारी में भी हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जब सरकार नौकरी देने पर आ जाती है ना, तो फिर भर्ती प्रक्रिया कभी फंसती या रुकती नहीं है, भले दोस्तों कितने भी मामले समय सामने आए कुछ होने वाला नहीं। देखिए अभी रिवाइज आंतर क्यू को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन संशोधित उत्तर माला में अगर 1 से 2 नंबर बढ़ गए, ये मान के चलिए दोस्तों अगर सिर्फ 2 नंबर भी कॉमन अगर आज के डेट में आपको मिल जाता है, तो कम से कम नहीं तो हजारों छात्र, जी हाँ दोस्तों कम से कम नहीं तो 1000 से अधिक छात्र पास होंगे। कुछ छात्र तो दोस्तों 88 नंबर पर अटके हुए हैं, कुछ छात्र 89 नंबर पर अटके हुए हैं, कुछ छात्र दोस्तों आपके 95 पर होंगे, कुछ छात्र बिल्कुल 96 पर होंगे। तो उनको सिर्फ अपने 1 नंबर की उम्मीद होगी कि 1 नंबर कैसे बढ़ जाए और वो छात्र पास हो जाए। तो दोस्तों सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और देखते हैं क्या क्या होता है अभी शिक्षक भर्ती में। तो यहाँ पर काफी ऐसे छात्र हैं दोस्तों जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है और वो चाह रहे हैं कि यार उनका 1 से 2 नंबर कैसे ना कैसे बढ़ जाए। और देखिए अगर आपको विवादित प्रश्नों की लिस्ट देखनी है तो दोस्तों उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स नीचे दे देंगे, आप जाकर उसको चेक कर पाएंगे कि अभी कितने प्रश्न विवाद में है जहां पर फेल छात्रों को फायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी इस समय ऑलरेडी आपके 1,46,060 बच्चे पास हो चुके हैं, तो मतलब एक बहुत ही बड़ी मात्रा में छात्र पास हुए, तो मतलब नौकरी लेना दोस्तों इतना आसान नहीं होगा। देखिए पिछली भर्ती जो हमारी आई थी 68,500, वहां पर दोस्तों सीटें ज्यादा होती थी और छात्र कम पास होते थे। अगर आप इसी भर्ती में देखोगे तो दोस्तों अगर डीएलएड की दोस्तों सिर्फ वैकेंसी होती, इसमें बीएड सम्मिलित ना होता, तो डीएलएड में 38,000 समथिंग छात्र पास हुए थे और शिक्षा मित्र अगर हम 8,018 भी ले लें तो भी दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट ना हो पाती, मतलब सीटें इसमें खाली रह जाती है और छात्र जितने पास होते सबको नियुक्ति पत्र बट जाता। तो बीएड आने से दोस्तों बीएड में 97,000 से अधिक छात्र पास हो गए, तो आपको पता है कि कंपटीशन अब काफी तगड़ा हो चुका है। जो बच्चे अच्छे खासे नंबर लाएंगे या जो भी हुआ परीक्षा में, देखिए इस समय आज की डेट में दोस्तों आप जब भी सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो 130 नंबर लाना मतलब बिल्कुल कॉमन दिख रहा है कि हर एक छात्र 130 नंबर 140 नंबर। देखिए एक बात और आपको यहाँ पर स्पष्ट करें, काफी ऐसे छात्र होंगे अभी जिनके दोस्तों रोल नंबर वायरल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए कुछ छात्रों के दोस्तों रोल नंबर वायरल हो जाते हैं जिसका दोस्तों सबको पता चल जाता है, लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद मतलब जब काउंसलिंग का रिजल्ट आपका आएगा उसके बाद दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर बड़ी मात्रा में छात्र अच्छे खासे नंबर ले आएंगे तो ये मानकर आप दोस्तों चल सकते हैं कि अगर आप 65 से कम गुणांक पर हैं या 65 ही पर ही हैं तो आप इस शिक्षक भर्ती से आप अपने आप को बाहर समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों काफी बड़ी मात्रा में ऐसे छात्रों ने कमेंट किया था कि सर हमारे जो गुणांक आ रहे हैं वो 65 या 65 से कम बन रहा है, मतलब 50% से अधिक छात्रों के गुणांक 65 से कम बन रहा है। तो अगर दोस्तों इसकी जाँच हो जाती है तो बहुत ही बेहतर होगा छात्रों के लिए कि जो छात्र बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर अटके हुए उनका फायदा होगा। देखिए इस समय ये बात भी जरूरी है ना कि जो सभी के मन में दोस्तों इस समय ये है कि हाँ परीक्षा में धांधली हो सकती है, तो सभी के दोस्तों जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएगा कि हुई है या नहीं, हाँ या ना दोस्तों ये पता चल जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी वहीं पर। अगर नहीं हुई तो बहुत ही अच्छी बात है, हुई होगी तो दोस्तों अगर एक भी सीट पर अपमान के चलते धांधली हुई तो मतलब एक छात्र का नुकसान होगा, जो छात्र दिन रात मेहनत करके गरीब घर का छात्र होगा और यहाँ तक वो पहुंचा होगा। देखते हैं क्या होता है, सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल वीडियो के अंत में दोस्तों आपके लिए सेफ जोन हम बताते चल रहे हैं कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड जो है। देखिए आपको हमने दोस्तों बताया था कि जनरल में 65 या 65 से कम में, ठीक है इसको समझिए, 250% से अधिक छात्र ऐसे आते हैं जिनका गुणांक 65 या 65 से कम में बन रहा है। जनरल की दोस्तों हम बात ना करते हुए सभी कैटेगरी की बात करें कि हर कैटेगरी में दोस्तों ऐसे काफी बड़ी मात्रा में छात्र हैं जिनका गुणांक 65 बन रहा है या 65 से कम है, वो 50% से अधिक, मतलब अगर हम 1,46,000 का ही 250% निकालें तो एक बड़ी संख्या में छात्र मतलब इससे कम नंबर ला रहे हैं।
देखते हैं क्या होता है वैसे। और देखिए इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती को हो सकते हैं छात्र कुछ पार्टिसिपेट ना करें, और कुछ छात्र दोस्तों जो बैक पेपर वाले थे उस समय डीएलएड के वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ छात्र टेट फेल थे वो छात्र बाहर होंगे, लेकिन ये सब बैक पेपर टेट फेल वाले छात्रों की संख्या बहुत ही ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अगर वो उनकी बैक वहां लग रही तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो डीएलएड में उतने अच्छे या होनहार बच्चे नहीं रहे होंगे, नहीं तो डीएलएड ही अच्छे नंबर से वो पास कर। तो सारी अपडेट्स दोस्तों हम आपको देते रहेंगे जो भी अपडेट्स आएगी। फिलहाल ठीक है, फिर से हम आपको सेफ जोन पर क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों जनरल में अगर आप देखिए जनरल में क्या होगा, बड़ी मात्रा में अगर ओवरलैपिंग होती है, पहले चलिए ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी में दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा, जी हाँ दोस्तों सब कुछ बिल्कुल नहीं कहते कि धांधली 0% है, सब कुछ सही रहा तो 64 से दोस्तों लेके 66 अंक का गुणांक आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित होगा ओबीसी कैटेगरी से। एससी में देखिए क्या होगा कि बहुत ही बड़ी मात्रा में एससी कैटेगरी के छात्रों को एसटी की सीट्स मिल जाएंगे, और एससी के छात्र जनरल में ओवरलैप कर जाएंगे तो दोस्तों 60 से लेकर 62 अंक का गुणांक या 63 अंक का गुणांक इनके लिए बिल्कुल सुरक्षित होने वाला है। बाकी दोस्तों आप एसटी से आते हो या फिजिकल हैंडीकैप से हो, एक्स सर्विस मैन हो, तो अगर आपने सिर्फ परीक्षा को पास भी कर लिया होगा तो आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब बात आती है जनरल कैटेगरी में क्या होगा। देखिए जनरल कैटेगरी दोस्तों सबसे खतरे वाली कैटेगरी इसलिए होने वाली ना, क्योंकि जनरल में दोस्तों जो छात्र रहेंगे वो सिर्फ जनरल की सीट्स ले सकते हैं। मतलब 38,000 छात्र जनरल में ऑलरेडी है यहाँ पर, मतलब 36,000 से 200 अधिक छात्र जनरल में आते हैं। उसके बाद ओबीसी के जो 84,000 छात्र हैं उसमें से काफी छात्र ओवरलैप करेंगे, शिक्षा मित्र ओवरलैप करेंगे, एससी के छात्र ओवरलैप करेंगे, तो दोस्तों जनरल की जो मेरिट है हमारी वो 68 से लेकर 70+ जा सकती है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। फिलहाल हो सकता है किस्मत सही रही तो 66+ में भी जनरल में नौकरी मिल सकती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और पूरी उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दोस्तों शिक्षक भर्ती में अगर सीबीआई जांच की जरूरत हो तो एक बार इसमें जांच हो जाए, मतलब दोस्तों ओवर कि मतलब ये दोस्तों कंफर्म हो जाना चाहिए छात्रों को कि जो छात्र आज की डेट में 120 से अधिक नंबर ला रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों अभी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि 120 से अधिक नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या परसेंटेज में है कि नंबर्स में है। जी हाँ दोस्तों अगर वो नंबर्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में होगी तो दिक्कत आएगी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 1,46,000 बच्चे पास हो रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए, खाली मोटा मोटा हिसाब बता रहे हैं, अगर 1,40,000 बच्चे, ठीक है, इतने बच्चे दोस्तों पास हो रहे हैं, अगर इसका हम सीधे से कहें 10% बात करें ना, तो इतना कितना हो गया, 14,000 बच्चे हो जाएंगे। अगर दोस्तों 20% छात्र 120 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो मतलब 28,000 बच्चे दोस्तों सिर्फ 120 से ऊपर नंबर लाने वाले हो जाएंगे। तो ये नंबर्स में होगा आंकड़ा तो ठीक है, लेकिन परसेंटेज भी हुआ तो फिर दिक्कतें पैदा करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों अगर अभी तक आपने दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया था तो जल्दी से आप लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज करके अपना फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन को कंप्लीट कर लें, नहीं तो कल लास्ट डेट है 26 तारीख, आज 25 मई है, कल दोस्तों 26 तारीख का लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी कर लें, नहीं तो फिर छूट जाएगा और इस समय वेबसाइट भी डाउन हो रही है, तो समय रहते इसको पूरा करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।